જય દ્વારકાધીશ આજે આપણે દ્વારકા શારદા પીઠાધીશ્વર સ્વરૂપાનંદ સરસ્વતી મહારાજજીના પરમ શિષ્ય સ્વામી શ્રી દંડી સ્વામી સદાનજી મહારાજ સાથે એક મુલાકાત કરી રહ્યા છીએ દેશ અને દુનિયામાં જ્યારે નો વાયરસ છે એટલી મહામારી આવી ગઈ છે દેશ દુનિયામાં કે આ દેશ દુનિયાની મહામારી સામે ધર્મ મુખ્ય આપણને ભાગરૂપ રહે છે અને હિન્દુ ધર્મના મુખ્ય એવા ધર્મના વડા સ્વામી સદાનજી મહારાજ આપણને શાસ્ત્રોક અને ધર્મમાં કોરોનાની કુદરતી આપત્તિ અને વારંવાર આવતી કુદરતી આપત્તિઓ વિશે અને તે તે વખતે શું આપણે કરવું જોઈએ તેના વિશે સ્વામી સદાનજી મહારાજ આપણને દર્શકોને જણાવશે મુખ્ય વાત વાત તો એ હૈ દેખો કે આપત્તિ આ ચૂકી હૈ આવી ગઈ છે अब इसको दूर करवानी दूर करने की जो दूर करने का जो उपाय है वो हमें करना है सिर के ऊपर सांप गिर गया ऊपर से तो अब ये देखना नहीं है कि वो सांप काला है कि गोरा है कि पीला है कि लाल है सांप को भगाना है तो ये बीमारी आ गई महामारी आ गई ये बहु, बहुत बड़ी विभीषिका है बहुत बड़ी विभीषिका है हमारे देश के लिए पूरे विश्व के लिए पूरे विश्व में ये संकट है पूरे विश्व की ये समस्या है और इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के सबको मिल कर के एकजुट होकर के एकता के साथ जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं महापुरुषों के द्वारा विद्वानों के द्वारा विश्लेषकों के द्वारा और सरकार के द्वारा जो जो उपाय बताए जा रहे हैं डॉक्टरों के द्वारा जो इसके जो इसमें प्रवीण हैं बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पर शोध किया है उनके उन द्वारा बताए गए उपायों का पालन हमें करना चाहिए सबसे पहली बात तो यह है दूसरी बात यह है कि ये जो महामारी है हमारी जो प्राचीन परंपरा आप देखेंगे तो प्राचीन परंपरा में ये सब उपाय हमारे यहाँ पहले से विद्यमान हैं कि हाथ पैर धो कर के भोजन करना है कुल्ला कर कर के भोजन करना है सोलह बार कुल्ला करना है भोजन के बाद हाथ धोना है पैर धोना है आँखों में पानी लगाना है हाथ साफ़ करना है स्नान करना है स्नान करके भोजन करना है जूता चप्पल पहन कर के भोजन नहीं करना है घर के बाहर जूता चप्पल छोड़ देना है खड़े खड़े भोजन नहीं करना है खड़े खड़े पानी नहीं पीना है ये सब उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में पहले से हैं रूढ़ीवादी कह कर के लोगों ने इनका तिरस्कार किया तिरस्कार किया तो फल आपके सामने है हमारे सामने है सब नमस्ते पर आ गए नमस्कार करने लगे हाँ एक मीटर की दूरी से रहो सब छः फुट दूर खड़े रहो सब ये सब क्या है इसी सब का उपाय हमारे ऋषियों ने महर्षियों ने प्राचीन वेदों ने शास्त्रों ने बताए थे तो लोगों को कहता था कि आलो को छुआछूत माने छे ये छुआछूत की बात नहीं है छुआछूत विषय अलग है बिल्कुल ये हमारे जीवन यापन की विशेष शैली थी ताकि हम स्वस्थ रह सकें स्वस्थ रह सकें संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है जानते हैं पहला सुख निरोगी काया पहला रोग रहित होना चाहिए हम रोग रहित रहना होना रहना चाहते हैं और इसलिए रोग रहित रहना होना चाहते हैं कि हम रोगी नहीं थे रोग आगंतुक है और जो आता है वो जाता जरूर है तो इस महामारी से भी हमें मुक्ति मिलेगी ये बात तय है लेकिन उपाय तो करना ही पड़ेगा पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा तो जो वस्तु हमारे पास नहीं थी और वो आ गई है और उसके आने से हमें कष्ट हो रहा है तो जब तक वो चली नहीं जाएगी तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए ये रोग आया है जब ये जाएगा तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी तो ये यहाँ समझने की बात यह है कि हमारा जो कामचार है हमारा जो काम बाद है हमारा जो काम भक्ष है काम भक्ष यानी मनमाना भोजन करना जो भोजन मनुष्यों के लिए कहा गया है वही भोजन करना चाहिए काम बाद यानि मनमाना बोलना मनमाना नहीं बोलना है ऐसी वाणी बोलिए ऐसे वाक्य बोलना चाहिए जिससे दूसरे को सुख मिले कुछ भी बोलेंगे तो हमारे बोलने से गगनमंडल में आकाश में एक तरंग बनती है इसलिए जो लोग घर में आपस में गाली गलौज करते हैं शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप उनके घर जाएंगे बैठने के लिए तो उनके घर में अधिक देर तक आपकी बैठने की इच्छा नहीं होगी जल्दी भागने की इच्छा होगी काम पता के भाई चलो आती निकलिए चलिए क्योंकि वहाँ के वायुमंडल में उस मकान के उस भगन भवन के उस कक्ष के उस कमरे के वायुमंडल में अपशब्दों की तरंग लहरा रही है ये सब बहुत धर्म से सूक्ष्म गति ये धर्म की बहुत सूक्ष्म गति है इसको हमारे ऋषियों ने विज्ञान के साथ जोड़ा है स्वास्थ्य के साथ जोड़ा है जीवन यापन की दिनचर्या के साथ जोड़ा है और कामचार मनमाना आचरण नहीं करना है जो शास्त्रों ने कहा है जो हमारे माता पिता ने कहा है जो हमारे गुरु ने कहा है जो हमारे आचार्य ने अध्यापक ने कहा है जिसका पालन हमारी परंपरा से होता आ रहा है उसी का पालन हमें करना चाहिए अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए स्वधर्म से परित्याग परधर्म चाक्रिया अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए और दूसरे के धर्म का पालन नहीं करना चाहिए और दूसरे के धर्म का विरोध भी नहीं करना चाहिए दूसरे का धर्म का पालन अपने धर्म का पालन करे दूसरे के धर्म का विरोध ना करे अयाज्य आज नंचई वो अग्निहोत्र करना चाहिए तुलसी का वृक्ष लगाना चाहिए पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए बट का वृक्ष लगाना चाहिए लोग कहते हैं कि हम वृक्ष की पूजा करते हैं नहीं 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 हम वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं हम उस वृक्ष में परमात्मा की पूजा करते हैं हम तुलसी में माता की पूजा करते हैं माँ की पूजा करते हैं ना? बट में पीपल में नीम में ये जो पाँच कुल वृक्ष हैं हमारे इनकी रक्षा करने का आज अभी कहते हैं ना, डॉक्टर लोग तुलसी का काढ़ा पियो तुलसी गोड़ और क्या बोलते हैं अजवाइन डाल करके हाँ हाँ लीमड़ा तो ये ये, ये सब उपाय हमारे ऋषियों ने सुश्रुत ने चरक ने सब ने पहले से आयुर्वेद में स्थापित किए हुए हैं इसलिए आ, <coughs> आ, ये मान्यताएं हैं हम मा, आप लोगों की माताएं पहले अभी भी जो लोग करते होंगे आप लोगों की माताएं घरों में दीपक जला करके शाम को ओटा पर रखती थी घरना आंगन में जो ओटा हो ना क्या दीपक प्रज्वलित करी ना तुलसी ना झाड़ में वहाँ रोज दीपक जाके रखते ही हैं हम रोज दीपक जाके हमारी परंपरा में है ही दिवाली को तो लगाते ही हो आप लोग दीपावली बिना भी रोज एक दीपक अभी भी गवड़ा गामड़ाओं में परंपरा छे एक पण एक दीपक घर की दहरी पे जा करके के रख रखेंगे ही दक्षिण भारत में भी है चौक पूरते हैं कलश बनाते हैं इन सब के साथ विज्ञान है और आपने नौ तारीख को नौ नौ मिनट नौ बजे किया ना ये हमारी परंपरा है ये हमारी पुरानी परंपरा है तो इसलिए इसलिए इस महामारी से मुक्त होने के लिए हमें अपने आहार विहार में आचार विचार में रहन सहन में सब में शुद्धि लानी पड़ेगी सब में शुचिता लानी पड़ेगी सब में पवित्रता लानी पड़ेगी तो हम इस पर निश्चित रूप से विजय पाएंगे और भगवान द्वारकाधीश की कृपा आप देखिए अपने पूरे भारत में भगवान ऐसा ही करें लेकिन द्वारका ज़िले में खम्बालिया से लेकर द्वारका तक एक भी केस नहीं है परमात्मा की ऐसी कृपा है तो इसी तरह ऐसी ही कृपा हम चाहते हैं कि पूरे देश में भगवान की हो और जिन उपायों का प्रयोग बताया जा रहा है उनका हमें ये ये कोरोना किसी जाति विशेष की बात नहीं है ये धर्म विशेष की बात नहीं है ये तो किसी को भी हो सकता बीमारी है ना रोग है ये रोग है और संक्रमण होता है इसका और ये ये रोग कैसे आते हैं रोग आता कैसे है हमारे जीवन में हमारे शरीर में तो रोग आने के दो ही कारण हैं एक कारण तो है आहार विहार की अशुद्धि हमारे खान पान रहन सहन की जो अशुद्धि है वो और बीजा रोग आवे पूर्व ना पाप पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते पूर्व जन्म के पाप से ही रोग आते हैं भी रोग आते हैं जैसे आप कहेंगे कैसे तो छः महीने का बालक है बीमार हो गया तो उसने तो कोई पाप किया नहीं छ महीने के बालक फिर वो बीमार क्यों हो गया उसने तो कोई आहार विहार किया नहीं माँ का दूध पिया तो वो पूर्व जन्म का कोई पाप उसके साथ पैदा हुआ उस कारण से वो अस्वस्थ हुआ और यहाँ आने के बाद हम आहार विहार की अशुद्धि की अशुद्धि के कारण रोगों को बुलाते हैं हमारी भोजन पद्धति बिगड़ गई है हमारा जल अशुद्ध हो गया है हमारा अन्न प्रदूषित हो गया है हमारे गेहूं आटा चोखा में फर्टिलाइज़र आ गया है तो हमारी हमारे शरीर की हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो गई है कम हो चुकी है तो इसलिए ये बीमारियाँ आती हैं तो इनके उपाय के लिए हमें आ, जो हमारी गौ माता का दूध है अच्छी साग सब्जी है शुद्ध भोजन है हम बहुत मेहनत करते हैं सब लोग पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं पैसा किस लिए होता है पैसा हमारे सुख के लिए होता है तो उस पैसे से यदि हमारे पास ज़मीन है तो हम सब्ज़ी अपनी बनाएं गार्डन अपना बनाएं किचन गार्डन अपना बनाएं अपने शुद्ध सब्ज़ी शुद्ध शुद्ध दूध शुद्ध भोजन जब आपको मिलेगा आपके बच्चों को मिलेगा तो तुम्हारी आबनारी पीढ़ी स्वस्थ से ये बात है हमारे क्षेत्रीय जो अखबार हैं जामनगर ज़िले के खम्बालिया के द्वारका ज़िले के नौबत वगैरह जितने भी अखबार हैं सब लोगों ने खूब अच्छी जागृति मीडिया ने अच्छी जागृति इसमें पूरे देश में फैलाई है चैनल वालों ने भी जागृति का अच्छा काम किया है जन जागरण किया है उससे लोगों को एक रास्ता प्राप्त हुआ है चलने का तो उससे हमारे देश में सबसे कम से कम केस बने हैं और निश्चित रूप से हमें इस पर विजय प्राप्त करना चाहिए हम भगवान द्वारकाधीश ઓર જગતગુરુ શંકરાચાર્યજી મહારાજ સે પ્રાર્થના કરતે હે કે ઇસ સંકટ છે એ સે હમે મુક્ત કરે સ્વામીજી આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ દ્વારા પણ આજ બપોરે પણ આહવાન કરવામાં આવ્યું છે કે લોકડાઉન વધશે અને આ લોકડાઉન દરમિયાન લોકોને આપના દ્વારા અપીલ કરવામાં આવે કે એમના ઘર ઉપર જ રહીએ શાંતિથી ને અને ઘરની બહાર ન નીકળે એ સહી વાત હૈ इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम बाहर न निकलें क्योंकि ये प्रदूषित बीमारी है संक्रमण होता है ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है इसके कीटाणु इसके जीवाणु इसके विषाणु बन गए हैं जिनके शरीर के कीटाणु जीवाणु विषाणु बन गए हैं वो दूसरे शरीर में संक्रमित होकर के जाते हैं तो लॉकडाउन जो हुआ है बिल्कुल ये एक सबसे अच्छा उपाय है इसका यही उपाय है। इसलिए जब तक पूरा देश हमारा स्वस्थ नहीं हो जाता है तो इस सरकार के इस आदेश का पालन होना चाहिए कि हम एक साथ एकत्रित ना हों और आचार विचार से नियम से रहें बार बार हाथ धोना स्नान करना गंदे कपड़े धारण नहीं करना जो जितना कर सकते हैं और इस समय जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करना अगर परमात्मा ने हमको कुछ दिया है तो हम भी किसी को कुछ दें क्योंकि हमने पहले दिया था तो आज पाया है अब देंगे तो और आगे पाएंगे तो सरकार और सामाजिक संस्थाएं बहुत कर रही हैं गरीबों के लिए भोजन प्रसाद आदि की खूब व्यवस्था हो रही है अपने द्वारका में भी जगह जगह अन्य क्षेत्र चल रहे हैं और लोग भोजन करा रहे हैं लोगों को जो लोग बाहर से आए हुए हैं द्वारका में आ, रह गए हैं और जा नहीं पा रहे हैं साधन नहीं है तो द्वारकावासी सारे नगरवासी उनकी खूब सेवा कर रहे हैं खूब अच्छी बात है प्रसन्नता की बात है तो हमारा तो यही आ, आग्रह रहेगा कि जो बाहर न निकलने का आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है वो समाज के और देश के हित में है उसका पालन हमें करना चाहिए